नमस्कार दोस्तों, मैं विमल असाटी, फिजिक्स वाला विमल, एक बार फिर बकवास फिजिक्स चैनल पर एक आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर अपना 10th एग्ज़ाम अपीयर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो दे रहा हूँ। जो लोग 11th में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल दरवाजे पर तैयार खड़े हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में और एक बात की थी कि 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट या बाकी सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क के होते हैं। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट पूरे हैं, जनरल साइंस में कौन सा ग्रुप बैठता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन सा ग्रुप बैठता है, कौन से सब्जेक्ट को ड्रॉप करके ऑप्शनल में क्या ले सकते हो, ये सारी जानकारी भी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी थी। आज जो बातचीत करने मैं आया हूँ वो मैं अपने बकवास फिजिक्स चैनल पर 11th के फिजिक्स के कंटेंट से शुरुआत करूँगा। मैंने कहा 11th के फिजिक्स के कंटेंट से मैं शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 11th के सिलेबस में फिजिक्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो यहाँ टोटल चैप्टर्स 14 है। टोटल 14 चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आया है, जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर करके अपनी बातचीत करेंगे। मैं एक एक चैप्टर के नाम भी बताऊँगा और उस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये बताऊँगा, साथ में उन चैप्टर्स का 10th में जो आपने पढ़ा उन चैप्टर्स के साथ क्या कनेक्शन है, उसका आने वाले में 12th के साथ क्या कनेक्शन है, ऐसा एक मैं ब्रिज आपके सामने तैयार करूँगा। मतलब आप अभी 11th में रहोगे तो 10th की चीज़ों को भी मैं कनेक्ट करूँगा 11th से, और 11th में जो आप पढ़ोगे वो 12th में कहाँ तक काम आने वाला है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूँ चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताने की, चैप्टर वाइज नाम बताने की। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहूँगा कि हर एक चैप्टर का नाम किस तरीके से कैसे आ रहा है। जैसे हमारे सिलेबस में मैंने अभी कहा 11th में टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। इसका पेपर पैटर्न भी है डिस्ट्रीब्यूशन, वो पेपर पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगर समय मिला आज ही तो इसी वीडियो में बताऊँगा, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में वो बात मैं आप लोगों से करूँगा। तो जब बात आती है 14 चैप्टर की तो मन में लगता है 10th में था इतना सारा, अब 11th में भी है। दोस्तों 11th में 14 है और 12th में जब जाओगे तो 16 चैप्टर है फिजिक्स में, तो 14 प्लस 16 टोटल 30 चैप्टर हो जाते हैं। और लगभग दोस्तों ये 30 के 30 चैप्टर JEE और NEET में भी पूरी तरह से काम आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो बात मैं अभी 11th के सिलेबस की करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको ध्यान रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि हो सकता है शायद आपके पास इसकी ई बुक ना हो। तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो पुणे मंडल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ से ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं 11th के लिए, या फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं तो कहीं ना कहीं मेल से PDF मिल जाता है। तो इस ई बुक को डाउनलोड करके रख लीजिए और जो मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ चैप्टर वाइज किस में क्या है क्या नहीं है, इस बात को आप बार बार वीडियो तो नहीं देख सकते ना, तो आप लिख के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 14 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर पूरा बेस बताना चाहता है, मतलब इस दुनिया में जब मेजरमेंट की शुरुआत हुई, काउंटिंग की शुरुआत हुई, वहाँ से इस सिलेबस को शुरू किया गया है। सर यूनिट क्या होते हैं? अब ऑब्वियसली किसी क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो मेज़र करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। जैसे आप अगर किसी चीज़ का मास बताओगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे उस बॉडी का 80 मास है। 80 मास बोलने से होंगे क्या? आपको बोलना पड़ेगा KG, ग्राम, टन, मैट्रिक टन, पाउंड्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना और उनके मेजरमेंट मतलब काउंटिंग। अब मैं बात करूँगा सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड की। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर यानी पुराने सिलेबस में 11th में इसको स्केलर वेक्टर नाम से जाना जाता था, अभी उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके नाम दे दिया गया मैथमेटिकल मेथड। इसमें स्केलर्स, वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, उनके एप्लीकेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और कुछ मैथमेटिकल फंडेज भी हैं जिनके बारे में थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा डेरिवेटिव, इनके बारे में बातचीत आई है।
जैसे मैंने पहला चैप्टर का नाम लिया यूनिट एंड मेजरमेंट, पुराने 11th के सिलेबस में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। ये वाला चैप्टर जो सेकंड बोला मैथमेटिकल मेथड, ये पुराने समय में इसका नाम स्केलर एंड वेक्टर हुआ करता था, तो अभी इसमें स्केलर वेक्टर इंक्लूडेड है और एक्स्ट्रा का मैथमेटिकल पोर्शन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, लिमिट्स के बारे में, मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में कुछ बातें ऐड हो गई। फिर थर्ड चैप्टर आया है मोशन इन अ प्लेन। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं मोशन इन अ लाइन होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है और मोशन इन अ स्पेस होता है। तो यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन जो बोला है, आप ये समझ के चलो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्टेड है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हम इसमें सर्कुलर मोशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ चैप्टर। ये लॉज ऑफ मोशन जो फोर्थ चैप्टर है, आप इससे इतने ज़्यादा फैमिलियर हो, मुझे लगता है 8th में 9th में 10th में सब लोगों ने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन इतने पढ़े हैं कि ये चैप्टर लगेगा ही नहीं कि 11th का चैप्टर है ना, इतना सिंपल चैप्टर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्यारा चैप्टर ग्रेविटेशन, जो आपका 10th का बेस था। मतलब आप लोगों ने 10th में ग्रेविटेशन में बहुत कुछ पढ़ा था, मैं ये नहीं कह रहा ये वही है, उसके आगे का है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो बड़े काम की हैं। लेकिन अभी का सिलेबस का जो स्टाइल है असेंडिंग है, मतलब ये कि जो कुछ आपने बेसिक पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर, कुछ और बेसिक आगे पढ़ा मैथमेटिकल मेथड के अंदर, फिर मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो वो जो सब पढ़ा वो लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा और ग्रेविटेशन में फाइनली बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ता हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को लेकर। सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कौन, आप ये समझ लो कि ये पुराने सिलेबस में 12th में एक चैप्टर होता था इलास्टिसिटी, ये वो इलास्टिसिटी चैप्टर पूरा उठा के काय में ला लिया है 11th में, आप ये समझ के चलिए। ये पहले 12th में था, ये उठा के ला लिया 11th में। सर वो ग्रेविटेशन भी तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ग्रेविटेशन पहले पूरा 12th में था, अब इसे उठा के ला लिया 11th में, और आप कुछ हिस्सा उसका 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो 6th चैप्टर की मैं बात कर रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें ज़्यादातर हम इलास्टिसिटी पे बात करते हैं कि हर एक मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है, फोर्सेस की वजह से चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप और बहुत सारे चेंजेस के ऊपर डिपेंडेंसी की बात आती है। जब हम सिलेबस एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो हर एक चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है, क्या बातें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है 7th चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल शब्द का अर्थ सभी को समझता है टेम्परेचर। मैटर की जितने भी, मतलब टेम्परेचर का जितना भी असर मैटर के ऊपर हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, सभी के बारे में चर्चा हमको इस चैप्टर के अंदर करनी है। ये पुराने सिलेबस में भी था और अभी भी है। सर पुराना सिलेबस 11th का, 11th के पुराने सिलेबस के अंदर भी आता था थर्मल एक्सपांशंस इन सॉलिड्स के नाम से, अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर 8th आता है साउंड, पहले भी था अभी भी है, लेकिन डायरेक्ट चैप्टर साउंड नाम आ गया तो साउंड से शुरुआत नहीं होती, शुरुआत होती है कि वेव क्या है, शुरुआत होती है कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, शुरुआत होती है लॉन्जिटुडिनल वेव क्या है, शुरुआत होती है मैकेनिकल वेव क्या है, शुरुआत होती है प्रोग्रेसिव वेव क्या है, यानी चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें आई हुई है जो साउंड वेव को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि साउंड एक हिस्सा है, बाकी बातें बहुत सारी उसके अंदर आई है। यहाँ पर लगभग हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 8 तक मैकेनिक्स, मोशंस, थर्मल, थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनसे कनेक्टेड बातें थी। अब 9th से लेकर 14th तक जो चैप्टर आते हैं, ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर अर्थात सॉलिड स्टेट से रिलेटेड होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स है, जिसमें रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, मिरर्स, कॉन्केव शेप्ड, कॉन्वेक्स शेप, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये सारी बातें जो 10th में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी थी, उन सब बातों का एक इकट्ठा स्वरूप आपको यहाँ ऑप्टिक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है 10th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें कूलम्स लॉ, बेंजामिन फ्रैंकलिन लॉ, फिर उसके बाद
कुछ बेसिक बातें गॉस थ्योरम से कनेक्टेड हुई, फिर यानी गॉस थ्योरम आने वाला 12th में है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो वो बातें यहाँ मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़, ऐसी बहुत सारी बातें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है 11th, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। चैप्टर के अंदर में जो बातें हमारी होंगी वो कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट को लेकर है। पुराने सिलेबस में ये चैप्टर थोड़ा अलग नाम से था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसी कॉइल से करंट फ्लो होगा तो एक्सिस पर डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड, और अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में होंगी मैग्नेटिक फील्ड। बात यहाँ पर भी वही आने वाली है, बस चैप्टर का नाम थोड़ा सा बदल गया। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ करता था, अब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म, पहले भी था अभी भी है। मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग लूप्स के बारे में बात है कि मान लो कहीं कॉइल में सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, मैग्नेटिक डायपोल पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है, पोल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो रही है, उसके बारे में हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ें। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पहले 11th में था, अभी भी है, लेकिन इसमें नया नाम जुड़ गया, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सर ऐसा आप क्यों बोले? क्योंकि पुराने सिलेबस में कम्युनिकेशन सिस्टम ये चैप्टर 12th में हुआ करता था, अब 12th में नहीं है। 12th में कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम उठा के कैमे डाल दिया 11th में। अगर आपको ये कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई वीडियो देखना होगा तो मेरे बकवास फिजिक्स चैनल पे कम्युनिकेशन पार्ट 1 और कम्युनिकेशन पार्ट 2 करके एक बेसिक वीडियो बना है, आप उसे देख सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है बहुत कुछ जानकारी आपको इस 11th की यहीं पे मिल जाएगी वीडियो में, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी 11th में भी आ गया, यानी पहले नहीं था, अभी 11th में भी आ गया और 12th में भी है, मतलब सेमीकंडक्टर का कंटेंट बहुत बड़ा है। और ये सेमीकंडक्टर का कंटेंट 14 नंबर का चैप्टर 11th के अंदर भी है और 12th के अंदर भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 11th में ही पढ़ना है, हमें 12th में भी सेमीकंडक्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी जो बताया ये पूरी तरह से आपका 11th का सिलेबस हो गया, टोटल 14 चैप्टर। इनके नाम मैं एक बार और बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, पहले मैटर हुआ करता था अभी स्पेशल सॉलिड करके बोला है, फिर चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 8 साउंड वेव, चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब 10 उंगली खत्म हो गई, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर पैर की उंगली लाओ। तो चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड द लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। तो ये टोटल सिलेबस 11th का है। पिछले 12 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ संचालित असाटीज मृणाल कोचिंग क्लासेस, यहाँ मृणाल कोचिंग क्लासेस में लाइब्रेरी अवेलेबल होने के कारण हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ माय 2 इयर्स एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इफ यू वांट टू रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस जॉइन टुडे मृणाल कोचिंग क्लासेस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और मृणाल कोचिंग में इसी प्रिंसिपल पे काम किया जाता है। In Mrunal Coaching class, we have a large collection of books so that we can easily prepare for our competitive exams. Education में सबसे जरूरी होता है mutual understanding between the student and the teacher's talk. This is the best quality of Mrunal Coaching classes. विदर्भ की पहली ऐसी कोचिंग क्लासेस जिसमें स्टेट और CBSE बोर्ड के कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को मिलती हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस की सुविधा, और साथ ही IIT, ZEE और NEET में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस। तो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें असाटी सर की मृणाल कोचिंग क्लासेस, गणेश नगर, गोंदिया। यहाँ पर सिलेबस को लेकर पूरा डिस्कशन हो गया, अब जो डिस्कशन बचा हुआ है वो है पेपर पैटर्न को लेकर।
मैं शॉर्ट में पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगा। सर शॉर्ट में क्यों? क्योंकि डिटेल जानकारी अगर आपको देखनी है तो एक मेरा वीडियो 12th वालों के लिए वेव ऑप्टिक्स का बना है, इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। तो सर वो तो 12th वालों का है। नहीं, पेपर पैटर्न 11th का हो या 12th का हो, सभी का सेम होता है, ठीक है। तो उसमें चार सेक्शन है, फिर भी बता देता हूँ। चार सेक्शन होते हैं एग्ज़ाम में। पेपर आपको पता है 100 मार्क का नहीं होता। सर आपने तो बताया था 100 मार्क्स का होता है। ये भी क्लियर कर दूँ पहले कि सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है फिजिक्स, लेकिन पेपर में जो एग्ज़ाम होती है उसमें पेपर एग्ज़ाम में 70 मार्क्स का होता है 3 आवर्स का। सर फिर 30 मार्क्स वो प्रैक्टिकल के रहते हैं। प्रैक्टिकल को लेकर जानकारी अभी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे अभी आपका रिश्ता नहीं है। जब वो कॉलेज टाइम आपका स्टार्ट होगा डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं कोई वीडियो दूंगा कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। 30 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स की थ्योरी 3 घंटे की होती है, उसमें क्या होता है ये बता देता हूँ। चार सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन, जिसमें से शुरुआती 10 क्वेश्चन MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी किसी एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको देते हैं, आपको उनमें से किसी तो भी सबसे सही आंसर को लिखना पड़ता है। सर सही या सबसे सही, 4 ऑप्शन में 2 तो गलत होते हैं, 1 सही के आसपास होता है और 1 ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा सही होता है। ऐसा हर बार हो ज़रूरी नहीं, कभी कभी 3 गलत होते हैं 1 ही सही होता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 रहेंगे 10 मार्क के, और 8 क्वेश्चन रहेंगे आंसर इन 1 सेंटेंस 8 मार्क के। तो ऐसा सेक्शन है टोटल होगा 10 और 8 18 मार्क का। जो MCQ 10 है उसमें कोई तो भी एक MCQ ऐसा रहेगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, और जो आंसर इन 1 सेंटेंस है उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए 10 MCQ और 8 आंसर इन 1 सेंटेंस का होगा, ये फिक्स है। इन पर टोटल मार्किंग 18। सेक्शन आया बी जिसमें थोड़े से आंसर बढ़ जाते हैं, मतलब आंसर इन 1 सेंटेंस तो नहीं होते लेकिन शॉर्ट आंसर बोल सकते हैं, 2-2 मार्क के रहते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन दिए जाते हैं 12, जिसमें से 8 अटेम्प्ट करना होता है। अब 12 क्वेश्चन है उसमें से 8 अटेम्प्ट करोगे और 2-2 मार्क के होते हैं, तो 8 × 2 = 16 मार्क का हो जाता है तुम्हारा सेक्शन बी। अब भाई 8 × 2 = 16 मार्क तो हो गया, क्वेश्चन 12 है, थेरी न्यूमेरिकल कितने, तो 6-7 होते हैं थेरी के और 4-5, 5-6 होते हैं न्यूमेरिकल्स के, ये थोड़ा फ्लक्चुएशन 4 या 5 का होता है। फिर सेक्शन सी आ गया जिसमें सारे क्वेश्चन 3 मार्क के होते हैं, थोड़ा लॉन्ग आंसर होते हैं, थोड़े से लॉन्ग, लगभग क्वेश्चन रहते हैं 12, अटेम्प्ट करने होते हैं 8, हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क का, तो 8 × 3 = हो गया 24। अब ये 24 में जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो 12 में से 6-7 ऐसे रहते हैं जो थेरी के हैं और 4-5 ऐसे रहते हैं जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं। तो सेक्शन ए 18 मार्क का हो गया, सेक्शन बी 16 मार्क का हो गया, सेक्शन सी 24 मार्क का हो गया, आप इसका सम करते चलो, ठीक है। और लास्ट सेक्शन आया डी जिसमें सारे क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 सेक्शन डी में, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 3, 4 मार्क्स का 1 होता है, तो 4 × 3 = हो गया 12। अब इसमें भी 3 थेरी तो 2 न्यूमेरिकल या 2 थेरी 3 न्यूमेरिकल, डिपेंड करता है वैल्यूएशन कैसा सेट किया गया है पेपर सेटिंग के द्वारा। तो अगर आप काउंटिंग करो सेक्शन ए के 18, सेक्शन बी के 16, सेक्शन सी के 24 और सेक्शन डी के 12, तो टोटल सम आ जाएगा 70 मार्क्स का। और मार्क्स विद ये कंपलसरी हो गया, और मार्क्स विद ऑप्शन जाओगे तो लगभग 98 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 98 आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर आपको 3 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है। इसके पहले जो पुराना पेपर पैटर्न था बहुत ही डेंजरस, तो मैं मान के चलता हूँ ये पेपर पैटर्न अब तक के का जब हम पढ़ते थे तब से भी सबसे बेहतरीन पेपर पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 11th का पूरा सिलेबस फिजिक्स का क्या होता है वो जानकारी दी, और 11th के फिजिक्स के पेपर पैटर्न की जानकारी दी। आप ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे bakwasphysics.com ऐप के लॉन्च के लिए ईश्वर से दुआ कीजिए कि हम उस काम में बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त करें। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद।
नमस्कार।